संभल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर संभल जिलाधिकारी पर सौंपा ज्ञापन। जनपद संभल के बहजोई जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी बिल पास किए हैं, इन बिलों को वापस लिया जाए। देश भर से किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करे। इस दौरान जिला अध्यक्ष विजय शर्मा, शहर अध्यक्ष संभल तौकीर अहमद, महिला जिला अध्यक्ष कल्पना सिंह, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष छिद्दा खां, विनोद साथी, हिलाल अख्तर, सुनील शर्मा, डॉक्टर साहेब मनोज, मुकेश कुमार, डब्बू जी, चुन्नी लाल, सफीक ठेकेदार, सतपाल सिंह, संजीव कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ नहीं कर रहे। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों की मांगों को लेकर है। जो किसान विरोध में इन्होंने 3 बिल पास किए हैं उद्योगपतियों के इशारे पर, जिसका पूरे देश में किसान पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और किसान अपनी बात रख रहे हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है जहाँ अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है और हर व्यक्ति अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है, और हर प्रदेश के बॉर्डर को इस तरह से सीज किया गया है। केंद्र सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर जिस तरह से किसानों पर अत्याचार कर रही है, उन पर लाठी और पानी की बौछार कर रही है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उनके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, हम राज्यपाल महोदय के माध्यम, राष्ट्रपति महोदय के माध्यम मांग करना चाहते हैं किसानों को उनकी बात रखने दी जाए और उनके खिलाफ जो अध्यादेश बनाए गए हैं, जो बिल कानून पास किए गए हैं, इन्हें तत्काल वापस लिया जाए। जिस चीज को किसान नहीं चाहता तो उसे उन पर क्यों थोपा जा रहा है? आखिर किसके इशारे पर ये थोपा जा रहा है, ये जनता जानती है। किसान अच्छी तरह से समझ चुका है कि इनके पीछे जो उद्योगपति लाभी है वो किसानों को तबाह करना चाहती है। इन्होंने आज तक जितने कानून बनाए हैं वो बिना मांगे जबरदस्ती के कानून थोपना, ये देश इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम किसानों की मांग को उठाते रहेंगे। मैं स्वयं एक किसान हूँ और किसानों की मांग उठाना हमारा फर्ज है। कांग्रेस के शासनकाल में भी किसानों की मांगे उठी, उन पर कभी लाठी चार्ज नहीं हुआ। जिस तरह से लाठी चार्ज किया जा रहा, पानी की बौछारें की जा रही हैं, हम इनसे कहते हैं कि किसानों को उनकी बात को रखने दिया जाए और तत्काल इन तीनों कानूनों को रद्द करके किसानों का जो MSP की जो मांग है उसे उस कानून में लागू किया जाए। 3 बिल कौन कौन से? जो किसानों के खिलाफ बिल लाए हैं, जिससे मंडियों से जो इन्होंने बात रखी है और जिसमें MSP का रेट गायब है, जबकि ये मौखिक बोल रहे हैं कि हमने MSP नहीं हटाई। अगर आपने जो MSP नहीं हटाई है तो उसे कानून में देने में क्या ऐतराज? आप खुद देख रहे हैं कि MSP का धान का रेट 1868 रुपए है, और धान आप लोग खुद देखते हैं, मंडियों तक आप लोग पहुंचे हैं, मीडिया आपकी पहुंच रही है, हम आपके चैनलों पे देखते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि वहां धान का रेट 1200 रुपए, 1100 रुपए, 1400 रुपए बिक रहा है। आखिर ये जो बीच में बिचौलिया, जिन्हें ये खत्म करने की बात करें, तो ये बीच में बिचौलिया कौन? कहां धान की मंडी में रेट मिल रहे हैं? आखिर सरकार चाहती क्या है? सर, लाभ देहास को कैसे देखते हो? लाभ देहास को कैसे देखते हो? ये सरकार ने लागू किया है लाभ देहास? आज जो मुद्दा है आप उस पर बात करें। अगर आप लाभ देहास पर बात करना चाहते हैं तो लाभ